डेंटल स्केलिंग इन डॉग्स। तो सबसे पहले डॉग की वजन ली जाती है और उसके बाद से एनेस्थीसिया दिया जाता है और उसे सलाइन पे भी चढ़ाया जाता है। पूरे प्रोसेस के दौरान सलाइन हमेशा दिया जाता है। आप अगर देख सकते हो बेला के दांत बहुत ही गंदे हो चुके थे और उससे में बहुत ज़्यादा टार था, उसको क्लीनिंग की बहुत ज़रूरत थी। और डेंटल स्केलिंग एग्जैक्टली सेम होता है ह्यूमंस की तरह। द ओनली डिफरेंस इज कि उन्हें एनेस्थीसिया दिया जाता है और वो हमेशा ही सलाइन पे रहते हैं। आप देख सकते हो क्लीन होने के बाद बेला की टीथ बिल्कुल चमक रही थी। हाँ, थोड़ी सी ब्लड डिस्चार्ज हुई थी, बट दैट वॉज ओके, हमारी भी होती है, राइट? वो काफ़ी देर तक लाउजी थी एंड शी वॉज नॉट फुली कॉन्शियस। तो अभी भी आप देख सकते हो इस वीडियो में कि वो फुली कॉन्शियस नहीं हुई थी, उसका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। लगभग 1.5 घंटे लगे थे इस पूरे डेंटल स्केलिंग प्रोसेस में। एंड ऑफ कोर्स हमारे फर बेबीज नीड अ लॉट ऑफ लव एंड केयर, सो बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू वॉक, हमने उसे गोद उठा लिया था और तब हम जा रहे थे घर की ओर। कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको डॉग को, ज़रूरत नहीं है प्रेशराइज करने का खाना खाने के लिए। वो खुद कुछ टाइम पे खाना खाते हैं और आप देखिए बेला 2 दिनों के बाद शी वॉज एंडोर्सिंग अ प्रोडक्ट एंड उसके दांत चमक रहे थे और मेरा दिल चमक पमक रहा था। सो प्लीज़ गाइस कीप अ वॉच ऑन डेंटल क्लीनिंग एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी। डेंटल स्केलिंग ज़रूर कराएं अगर आपके डॉग की दांत खराब हो चुकी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।